नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी साहो। आपको बता दे कि जिसे साउथ के सुपरस्टार प्रभास, जिसमें दिखने वाले इस फिल्म को 15 अगस्त के बजाय अब 30 तारीख को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, साहो एक आगामी 2019 भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे सुजीत द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और जिसे यूवी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में प्रभास और श्रद्धा कपूर की जोड़ी दिखने वाली है और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु के साथ शूट किया गया है। यह फिल्म हिंदी में प्रभास की पहली फिल्म है और श्रद्धा कपूर की दक्षिण भारतीय सिनेमा में पहली। आपको बता दें कि फिल्म का निर्माण लगभग 300 करोड़ के बजट के साथ किया जा रहा है। फिल्म के टीजर को YouTube पर सभी भाषाओं से 80 मिलियन से अधिक बार देखा गया है, जिसे 2.0 से पीछे किसी भी भारतीय फिल्म के टीजर के लिए दूसरा उच्चतम है, जिसमें लगभग 105 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। यह फिल्म 30 अगस्त 2019 को सिनेमा घरों और IMAX में रिलीज की जाएगी। फिल्म 300 करोड़ के बजट पर बनी है और फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया, हैदराबाद, मुंबई, अबू धाबी, दुबई, रोमानिया और यूरोप के अन्य हिस्सों में की गई है। आपको बता दें कि प्रधान फोटोग्राफी अगस्त 2017 में शुरू हुई थी और अरुण विजय, जैकी श्रॉफ, लाल, नितिन मुकेश और मंदिरा बेदी को प्रभास और श्रद्धा कपूर की जोड़ी के साथ अनुबंधित किया गया था। आपको बता दें कि फिल्म में एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्टंट कोरियोग्राफर केनी बेट्स को एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करने के लिए अनुबंधित किया गया। फिल्म का पहला शेड्यूल जिसे हैदराबाद में किया गया शूट, वो अक्टूबर 2017 में ही पूरा हो चुका था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2017 में रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ। फिल्म के निर्माताओं के अनुसार श्रद्धा कपूर ने भारी हथियार के साथ फिल्म में एक्शन दृश्यों की शूटिंग की थी। वहीं कुछ दिनों पहले वे एक महीने के लिए दुबई में शिफ्ट हो गईं, जहां कुछ प्रमुख एक्शन दृश्यों को प्रभास और नील नितिन मुकेश के साथ शूट किया गया, जबकि श्रद्धा कपूर अपने अगले उद्यम स्त्री में चली गईं। हैदराबाद, मुंबई और दुबई में फिल्म की आधी शूटिंग के बाद साहू के कलाकारों और चालक दल ने फरवरी 2018 में अबू धाबी में फिल्म की चौथी शेड्यूल के साथ शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में समाप्त भी हो गया। फिल्म का पांचवा शेड्यूल अब अबू धाबी में भी फरवरी के अंत में शुरू हुआ, जिसका फिल्म का छठा शेड्यूल मार्च के बीच में और दुबई और रोमानिया में से शूट किया गया। आपको बता दें कि फिल्म के अंतिम चरण और रोमांटिक गाने जिसे इन्सब्रुक और ऑस्ट्रेलिया के टिरोल क्षेत्र में फिल्माए गए हैं। फिल्म का टीजर जिसे 27 अप्रैल 2017 को प्रभास की आखिरी फिल्म बाहुबली के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म से प्रभास का फर्स्ट लुक पोस्टर 22 अक्टूबर 2017 को उनके जन्मदिन पर सामने आया था। हालांकि पोस्टर के बारे में कुछ विवाद ब्लेड रनर 2049 की पोस्टर के समान था। कई प्रशंसकों और अनुयायियों ने कथित साहित्यिक चोरी के लिए पोस्टर की आलोचना की। वहीं अगले वर्ष 22 अक्टूबर 2018 को प्रभास के जन्मदिन पर फिल्म फीचर का एक मेकिंग रिलीज किया गया था। श्रद्धा कपूर के जन्मदिन पर 2 मार्च 2019 को फिल्म का दूसरा फीचर मेकिंग रिलीज किया गया। हालांकि फिल्म से प्रभास ने 21 मई 2019 को एक पोस्टर का अनावरण किया। इस एक हफ्ते बाद प्रभास का एक और पोस्टर सामने आया, जबकि 10 जून 2019 को फिल्म में श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया था। आपको बता दें कि प्रभास का एक और पोस्टर जिसे 12 जून को जारी किया गया। अगले दिन फिल्म का एक टीजर हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल में रिलीज हुआ था। वहीं 23 जुलाई को यूवी क्रिएशंस ने प्रभास और श्रद्धा कपूर के चित्र वाले नए पोस्टर रिलीज किए और 30 अगस्त को हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल में नई रिलीज डेट दी। इससे पहले प्रभास को आपने बाहुबली में देखा था, जबकि बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में प्रभास की आवाज तो नहीं थी, लेकिन ये ऐसा पहला फिल्म है प्रभास का हिंदी में जिसमें उन्होंने अपनी आवाज खुद दी है और इसमें उनके साथ नील, नितिन मुकेश और श्रद्धा कपूर नजर आने वाली है। तो देखना ये है कि 30 तारीख को बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या नया रंग लाती है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।